राशन कार्ड का जो काम करते हैं लोग, तो उन्हें राशन कार्ड का फॉर्म भरना है, राशन कार्ड में नाम ऐड करना है, राशन कार्ड में नाम काटना, ये सब पता होगा सबको कि कैसे होता है क्या नहीं होता है। अगर नहीं पता है कि राशन कार्ड में नाम कैसे काटा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, तो अगले स्टेप में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा। बहरहाल ये तो बात अलग हुई। जो मेन इस टॉपिक में मुझे कवर करना है वो ये बात कवर करनी है कि राशन कार्ड में नाम ऐड होता है, नाम कटता है, ये करने के बाद प्रोसेस क्या होता है, कि आपको एग्जैक्टली वो वाला फॉर्म कहाँ जमा करना होता है, क्या करना होता है, फॉर्म में लिखना क्या होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग 80% मेजोरिटी में सेवर कैफे वाले जो कहते हैं वो ये कहते हैं ऑनलाइन नाम काट दिया है वो नाम कट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसे बेवकूफ़ बनाते हैं, ये उनकी कम इल्मी है जो उनको नहीं पता है ये बात। पर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो मेरी ये फर्ज बनता है कि मैं आपको सच बात बताऊँ कि सच बात इसमें करना क्या होता है, जिससे जल्द से जल्द आप अपना नाम कटवा सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि नाम कटता कैसे है, जज होता कैसे है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तरीका क्या होता है उसका। ये आपका राशन कार्ड का जो पोर्टल है, इसको पहले आप पूरा खोल करके और इसमें अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड वाले में क्लिक करोगे, और जो थर्ड नंबर का जो होता है राशन कार्ड, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये ऊपर जो NFSA लिखा है इसे क्लिक करोगे, और इसे क्लिक करने के बाद फिर ये देखिए ये पूरा जब खुल जाएगा तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इस पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद लखनऊ डालोगे और जो उनका राशन कार्ड नंबर है, जो राशन कार्ड नंबर है उस राशन कार्ड नंबर को डाल के सर्च करोगे। ठीक, इसमें ऊपर वाला देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है फैमिली डिटेल्स का। ठीक, अब यहाँ पर जा करके आपको जो है इनका नाम काटना है, ये जो है शकील नाम के, इनका नाम काटना है आपको, करना कुछ नहीं है, बस सिंपली यहाँ पर जा करके आपको डिलीट करना है। डिलीट करके अब यहाँ पर ये रीज़न पूछता है क्यों काटना है। ठीक है, कि मृत्यु हो गई है, ये शादी हो गई है, अलग हो गए हैं ख़ानदान से, तो इनकी शादी हो गई है, तो शादी होने की वजह से ये अपना नाम कटवा रहे हैं, ये अपना अलग राशन कार्ड बनवाएंगे इसलिए इनका नाम ये कट रहा है। ठीक है, ये पूरा करने के बाद नीचे वाल जा करके आप इसको पूरा सेव कर दोगे। फाइन, ये पूरा सेव करने के बाद आप वापस दोबारा से यहाँ पर आ करके जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे। थर्ड ऑप्शन क्लिक करने के बाद लखनऊ डाल के यहाँ पूरा आपका राशन कार्ड नंबर डालोगे। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद फिर से सर्च करोगे, एक्चुअली मुझे लॉक करना है। ठीक है, तो लॉक करने के लिए, क्योंकि लॉक करने के बाद ही मेरी रसीद निकलती है। ठीक, इसको आप पूरा चेक कर लोगे, लॉक कर लोगे। ठीक, ये एक बार चेक कर लो कि नाम कटा है कि नहीं कटा है, क्योंकि ये अगर बिना करे लॉक कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पर इसे कॉपी करना है, ना करो कॉपी कोई बात नहीं, कॉपी कर लोगे तो ठीक है। ठीक, फिर करने के बाद आपको फाइनल लॉक कर देना है। फाइनल लॉक करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन बाहर आ जाती है, आपको विंडो क्लोज करनी है, फिर दोबारा वही करना है, अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड पर क्लिक करना है। ठीक है, और देखिए मेरे कोटे 3 बचे हैं, 4 से 3 बचे हैं, एक इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, या NFSA पे क्लिक करके दोबारा फिर इस पर क्लिक करके जा करके जो चौथा ऑप्शन था यहाँ पर रसीद निकालने का, यहाँ से आप इसकी रसीद निकाल लोगे। ठीक, सर्च लखनऊ करोगे, इनका राशन कार्ड नंबर डालोगे, सर्च करके ये इनका पूरा प्रिंट करके इसकी 2 कॉपी निकाल दोगे। 2 कॉपी निकालने के बाद एक प्रिंट जो है वो तो मैं जो है उनको दे दोगे, और एक प्रिंट जो होगा वो जमा करेंगे राशन कार्ड ऑफिस में। ये पूरा करने के बाद इसकी PDF चाहो तो सेव कर लो, और चाहे तो ना सेव करो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिलहाल इसका PDF तुम सेव कर लोगे तो बेहतर रहेगा, तो उससे ये है कि इन द फ्यूचर कभी ये आते हैं मांगने के लिए तो आप इनको PDF दे दोगे। ये इसका पूरा सिंपल प्रोसीजर होता है। अब इसके बाद इस रसीद के साथ जो प्रिंट निकाला है, इस रसीद के साथ क्या करना है वो अभी जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया जाएगा। तो तरीका आपने देख लिया कैसे नाम काटा जाता है। अब नाम काटने के बाद नाम जोड़ने का भी तरीका यही होता है। नाम राशन कार्ड लिख करके जहाँ पर आपने डिलीट का ऑप्शन करा है उसके ऊपर देखिए एक होता है नाम ऐड करने का। तो अगर आपको चाहिए हो कि नाम ऐड करने का अलग से कोई वीडियो बनाओ तो आप मुझसे बोल देना, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा नाम ऐड करने का। तो खैर ये अलग बात हुई, तो बताना है आपको कि करना क्या होता है। देखो सिंपली करना क्या होता है कि लोग जो अक्सर ये बात कहते हैं कि राशन कार्ड में नाम काटने के बाद उसको कंट्रोल को दे दो वो करा देगा,
बिल्कुल छूट पाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब करना क्या है, पहला स्टेप राशन कार्ड की रसीद होती है उसके दो प्रिंट आउट निकालो, जो रसीद जो तुम कटवाई है जो प्रिंट आउट निकला है उसके दो प्रिंट निकालो, ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, जितने भी नाम तुमने कटवाए हैं उनके आधार कार्ड उसमें स्टेपल कर दो, ठीक है, रसीद हो गई, राशन कार्ड स्टेपल कर दिया। तीसरा स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको वो फॉर्म जा करके जो आपका मेन राशन कार्ड का ऑफिस है वहाँ जमा करना है, ठीक है, आपको कंट्रोल पे जमा नहीं करना है, जो आपके एरिया का मेन राशन कार्ड का ऑफिस लगता है, जो खाद्य विभाग लगता है, वहाँ जा करके आपको आपका वो राशन कार्ड का फॉर्म जमा करना है, जो जोन का ऑफिस होता है, हर एक जोन का अलग एक राशन कार्ड का ऑफिस होता है, वहाँ जा करके आपको वो अलग फॉर्म जमा करना है, ठीक है। और उस फॉर्म में लिखना क्या है, उस फॉर्म में ऐसा जो जैसे मैंने ये सैंपल दिखाया है, ऐसा लिखना है कि ये फला फला नाम का राशन कार्ड है, इसमें इनका नाम काटना है क्योंकि इनका विवाह हो गया है, इनकी या शादी हो गई है, इसलिए इनका नाम इस राशन कार्ड से आप काट दिए, उनका राशन कार्ड का नंबर लिख दो, उनका आधार कार्ड का नंबर लिख दो, उनका मोबाइल नंबर जो चाहे लिख दो, कुछ भी मैटर बना के अपने हिसाब से लिख दो, ये सिर्फ एक सैंपल है। बात ये होती है कि जब आप वहाँ पर जमा करते हो फॉर्म, वो लोग जब चिट्ठा उठा के देखते हैं तो अब उनके पास हज़ारों रखे हैं फॉर्म, तो वो अब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। कोई भी होगा भाई, मेरे पास कोई लेकर आए तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। तो अगर ऊपर से लिखा होगा कि हाँ भाई फला फला राशन कार्ड है, इसमें इनका नाम काटना है, तो फट से प्रोसीड कर देंगे, हाँ भाई इनका नाम काटो, ये जल्दी काम हो जाएगा। लिखता कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है, बस सिंपली जाके फॉर्म जाके जमा कराता है, जमा भी नहीं करता है, कंट्रोल वाले को दिया जाता है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आप ये स्टेप्स आजमाइए और जो काम 6 महीने में होता है वो महीने 1.5 महीने में काम आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप मैं अपनी बात क्लियर कर पाया हूँ, ये बात आप तक की क्लियर हो गई है, तरीका भी हो गया है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, इस चीज़ को अपनाओ, और ना अगर हो तो आप दिन तो बताइए।